महंगाई, उसके ऊपर आपका ध्यान अर्जित करना चाहूंगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था कि महंगाई की रोकथाम के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है, तो उसका जो उत्तर है बड़ा ही गोलमोल सा आया है। तो अध्यक्ष जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि RBI डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बिलो पावर्टी लाइन 30% हमारी आबादी है, और आजकल सरकार की देन है कि ये गाना सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है, बड़ी फेमस होती चली जा रही है। आज अगर हम बात करें भोजन की, सब्जी की, कपड़ों की, जूतों की, ईंधन की, मेडिसिन की, पढ़ाई की, बिजली की, पानी की, हर कुछ महंगा होता चला जा रहा है। आज अगर हम बात करें हमारे जवाब की, तो हमें बताया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हमने इतने राशन मुफ्त बांटे, हमने इतने सारे राशन कार्ड हैं जिनको बढ़ाया, और साथ ही साथ बहुत सारी आपकी योजनाओं की बातें की। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या क्या मुट्ठी भर राशन बांट करके हम महंगाई पर नियंत्रण पा लेंगे, और साथ ही साथ आप जो ये मुट्ठी भर राशन बांट रहे हैं उससे कुछ विशेष पूंजीपतियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा रही है सरकार। कृपया मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुफ्त राशन जो बांटे गए हैं, तेल, नमक, आटा इत्यादि, किन कंपनियों से इन्हें खरीदा गया है और किन मूल्यों पर खरीदा गया है। साथ ही साथ आपने कहा कि आपने राशन कार्ड के नंबर्स को बढ़ा दिया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि नंबर बढ़ाने से पहले और नंबर बढ़ाने के बाद किस तरीके से महंगाई को आपने रोका है, किस तरीके से उस पर नियंत्रण पाया है। आपने बताया कि अधिनियम 2013 के हिसाब से जो भी राशन कार्ड धारक थे उन सभी को आयोडाइज नमक, साबुत चना और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ये सारी चीज़ों का निःशुल्क वितरण किया गया है, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो मुफ्त वितरण हुआ है ये किन कंपनियों के द्वारा और किन मूल्यों पे इनको खरीदा गया है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, एक महिला होने के नाते जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, बहुत सारी बहनें जो विधवा हैं और उन्हें आपके द्वारा 1000 रुपये का जो धनराशि मिलती है, तो मैं आपके द्वारा ये पूछना चाहती हूँ कि आए दिन आपके सिलेंडर के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो इन महिलाओं के लिए क्या सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर, आपने कनेक्शन तो करवा दिए, क्या मुफ्त आप सिलेंडर उन्हें देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि वो 1000 रुपये तो सिर्फ आपके सिलेंडर खरीदने में उनके चले जाते हैं, तो बाकी वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की लगभग 24-25 करोड़ जनता में से इस समय 14 करोड़ व्यक्तियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये पूरी दुनिया का केवल ये पूरे दुनिया की एक मिसाल है कि जहाँ पड़ोसी देशों में राष्ट्रपति भवन में जनता घुस जाती हो राशन के लिए, जहाँ पड़ोसी देशों में लाइन लग के राशन बिक रहा हो और उस पर भी कई कई आदमियों की मौत हो जाती हो, वहाँ आज पूरी दुनिया में अकेला एक हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश ऐसा है एक जो आधी से ज़्यादा आबादी को आज मुफ्त राशन दे रहा है। दूसरे नंबर, मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए लगभग 1,75,00,000 गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए, उनको भी अभी भी लगातार सतत 235 रुपये की सब्सिडी दी जाती है एक गैस कनेक्शन पे। मैं इतना अनुरोध करना चाहूँगा, जहाँ आपने ये पूछा था कि किस कंपनी से खरीदा, ये बातें तो पहली सरकारें ज़्यादा ध्यान रखती थी, हमारी सरकार इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। एक ये तो किसको किससे सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट की बात नहीं होती, यहाँ तो ऑनलाइन व्यवस्था है इसलिए पारदर्शी व्यवस्था होती है। डॉक्टर रागिनी अध्यक्ष जी, जवाब फिर से गोलमोल ही मिला है, और मैंने आदरणीय मंत्री जी से यही जानना चाहा है कि जो हमारी विधवा महिलाएं हैं उनको क्या आप मुफ्त में सिलेंडर देंगे या नहीं देंगे, गैस सिलेंडर।
और किन कंपनियों से आपने जो राशन की बात की है? वो तो आ गया उत्तर। तो पुरानी सरकारों में इतनी महंगाई नहीं थी कि खून के आंसू जनता रोए, आज महंगाई की वजह से जनता बारंबार रो रही है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त में गैस सिलेंडर पहुंचाएं। मान्यवर, मान्यवर मुझे अच्छी तरह से याद है जब आप भी इधर बैठा करते थे तब इसी विधानसभा में ये सवाल उठा करता था कि आज भूख से बुंदेलखंड में इतने आदमी मर गए, आज भूख से इतने आदमी वहां मर गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भी एक व्यक्ति भूख से नहीं मरने दिया। जहाँ तक पहले भी हमारी सरकार ने 250 रुपये 300 रुपये से 500 रुपये किया और फिर 1000 रुपये किया, और डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और हर तरह से किसी भी व्यक्ति को सहायता करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। प्रश्न संख्या 11 श्री अतुल प्रधान। राशन देकर के किस तरीके से महंगाई की रोकथाम कर रहे हैं उसका तो कोई भी जवाब नहीं आया। नहीं आ गया। जवाब तो समझ ही नहीं आया किस तरीके का जवाब आया। आपकी समझ पर डिपेंड करता है, जवाब आ गया।